काम कर रहे हैं, बच्चों को इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करने की हमें थोड़ी फिक्र करनी चाहिए। आजकल की जो वालदैन हैं, मुझे इनसे थोड़ा सा शिकवा ये है कि अपनी आसानी के लिए ना वो बच्चों को बस मोबाइल दे देते हैं और अपने फिर कामों में लग जाते हैं। ये सब क्या है? ये नोट पैड वगैरह, स्टिकी नोट्स चाहिए, स्टिकी नोट्स 168x1, ये 269 का है। पेंसिल का 12 पेंसिल हैं इसमें। ये वाला कितने का है? ये 200 का है। तो ज़बरदस्त। अच्छा स्टेशनरी मैंने एक्रेलिक नहीं, ओ से कुछ नाम आता है उसका, बड़े अच्छे से कलर्स होते हैं उसके, बड़े अच्छे शार्प कलर। ओरो ओरो हाँ, तो वो ओरो से ज़्यादा अच्छे पेलिकन के होते हैं, लेकिन पेलिकन के तो ये जो छोटे वाले पर्स हैं इसका तो प्राइस लगे हुए यहाँ पे 2200-2300 रुपये का है, लेकिन ये जो है ना ऊपर वाले देख लेते हैं, 3000 रुपये का बैग है ये। अच्छा बैग्स की भी मैंने काफ़ी वैरायटी दिखी। अच्छा भाई मैं अब फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हूँ और स्टेशनरी वाले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ऊपर टॉयज़ हैं यहाँ पर, स्टेशनरी है, बच्चों के कपड़े वगैरह लगे हुए हैं ठीक ठाक। यहाँ पर भी पूरा एक फ्लोर इन्होंने बनाया हुआ है बच्चों की मुनासबत से, तो ये भी देखते हैं आप लोग। करीब से आप जूम करेंगे ना तो इसकी प्राइसेस वगैरह आ जाएंगी। कुछ पे लिखे हुए हैं प्राइस और कुछ पे नहीं लिखे हुए, पलट कर देखना पड़ेगा। देखें 400 रुपये के 4 मार्कर हैं। इसी तरह ये वो मार्कर जो अच्छे वाले होते हैं कलर्स, उसका क्या नाम होता है जो, अरे वो और एक्रेलिक नहीं, ओ से कुछ नाम आता है उसका, बड़े अच्छे से कलर्स होते हैं उसके, बड़े अच्छे शार्प कलर। ओरो ओरो हाँ, तो वो ओरो से ज़्यादा अच्छे पेलिकन के होते हैं, लेकिन पेलिकन के ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा ओरो के अगर देखा जाए तो सारे कलर्स के जो नॉर्मल कलर्स होते हैं, मतलब चीप कलर्स होते हैं, उनमें सबसे अच्छे होते हैं ओरो के। मिंटेड हो गए। ये सब क्या है? ये नोट पैड वगैरह, पैड स्टिकी नोट्स 168x1 x 3 गेट 1 फ्री है। अच्छा जी ये लिफाफे लग रहे हैं मुझे, एनवलप्स लग रहे हैं ये, ईद के लिए अच्छा आइटम है। और इसकी प्राइस देखें जी 151, इन सब पे थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट है। अच्छे फैंसी लिफाफे हैं, वो अजीब और गरीब से जो मिल रहे होते हैं ना जनरल स्टोर पे, वो वाले नहीं हैं, खूबसूरत से हैं। देखें 168 रुपये का, ये सेव 158 है, लेकिन ये है इसकी प्राइस क्या वो इसमें लिखे हुए नहीं है, किसी में लिखे हुए किसी में नहीं लिखे हुए। देखिए ये 151 का है, तकरीबन 150 रुपये का ये पैकेट है। तो देख लें जल्दी जल्दी ये सारे स्टेशनरी। देखिए ये 22 रुपीज़ का है शॉपनर, एक शॉपनर, ये भी 22 का है। ये 269 का है पेंसिल का, 12 पेंसिल हैं इसमें। ये वाला कितने का है? ये 200 का है। तो ज़बरदस्त। अच्छा स्टेशनरी मैंने ताली रोड पे जो CSD के नाम से वो है, सॉरी सेविंग वर्ल्ड के नाम से जो मार्ट है ना, तो वहाँ पर भी मैंने पूरा शॉपिंग सेंटर है एक तरह से वो, तो वहाँ पर स्टेशनरी काफ़ी सारी दिखाई है, खिलौने दिखाए हैं बच्चों के और घरेलू आइटम, बर्तन वर्तन बहुत हैं वहाँ पर स्टील के इसके उसके, तो वो देखिएगा आप लोग वीडियो देखते रहें। ये वाला मार्कर हाइलाइटर कितने का है? ये है 87 का। अच्छा जी मुख्तलिफ इरेजर्स वगैरह लगे हुए हैं, प्राइसेस बस आप लोग देखते रहें ताकि जहन में हो। नई से नई कंपनी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। ये वाला कितने का है? ये 630 का है। मार्कर्स हैं ये भी। अच्छा जी ऊपर कुछ ये स्टिकर्स वगैरह आ गए, नोट पैड आ गए, बड़े प्यारे प्यारे। अब तो खैर मोबाइल ने आके इन सब चीज़ों का रिवाज एक तरह से ख़त्म ही कर दिया। हर चीज़ मोबाइल में आपको है, अलार्म चाहिए तो मोबाइल में, वरना पहले घड़ी इस्तेमाल करते थे। नोट पैड चाहिए तो मोबाइल में है, वरना पहले इसके लिए कॉपी और पेंसिल रखनी पड़ती थी ख़ास ख़ास चीज़ें लिखने के लिए। डायरी रखनी पड़ती थी फ़ोन नंबर वगैरह नोट करने के लिए। तो हर चीज़ का मोबाइल में जो है सोलूशन है। इंक पॉट्स वगैरह आ गई भाई यहाँ पर। ये है प्राइस इसकी 85 रुपये की है ये। इसमें से कोई भी ले लें, चाहे ब्लू कोई भी कलर ले लें। और 55 ब्लू ब्लैक दोनों आ गए। ये अच्छा आइटम है गिफ्ट वगैरह के लिए, बच्चियों को देने के लिए अच्छा है। नए नए शौक़ होते हैं ना बच्चों को,
लिखने का, तो उनको ये दे दें, सादी सी कॉपी देंगे तो इतना मेरा ख्याल शौक नहीं, मतलब मज़ा नहीं आएगा उनको लिखने में। ये सब चीज़ें देंगे ना कलरफुल सी, तो बच्चे लिखेंगे भी और आप लोगों को भी अच्छा टाइम गुजर जाएगा, सताएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, नहीं लगे होंगे, बजाय इसके कि हम मोबाइल देखें अपनी बेफिक्री से, अपने काम करें। बच्चों को इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करने की हमें थोड़ी फिक्र करनी चाहिए। आजकल की जो वालदैन हैं, मुझे उनसे थोड़ा सा शिकवा ये है कि अपनी आसानी के लिए ना वो बच्चों को बस मोबाइल दे देते हैं और अपने फिर कामों में लग जाते हैं, बच्चे कुछ भी करते रहे मोबाइल में। तो उससे बेहतर है कि हमें इस तरह की ऑल्टरनेट चीज़ें बच्चों के लिए सोचनी चाहिए कि जिससे उनका आगे फ्यूचर में भी कुछ फ़ायदा हो। छोटी छोटी उम्रों में अगर मोबाइल यूज़ करेंगे तो फिर बड़े होकर क्या करेंगे। हमारे समाज में सच्ची बात है मोबाइल वोबाइल कुछ भी नहीं होता था, वो भी जब हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आए तो उतना बड़ा वो 33-10 आप लोगों ने अगर देखा हो तो आपको पता हो वो इतना भारी सा मोबाइल, उसमें सिर्फ मैसेज ही हम लोग करते थे और इससे ज़्यादा यूज़ करना आता भी नहीं था। तो आजकल के तो बच्चे भाई, मैं बहुत ज़्यादा मैंने टाइम ले लिया, यहाँ पर आगे चलते हैं। अच्छा, आजकल के तो बच्चे बस वो छोटा सा मेरा ख्याल 1.5 साल का भी होगा ना बच्चा, तो उसको यूट्यूब कम से कम चलाना आ जाएगा, वो बस चाहेगा अपनी छोटी छोटी उंगलियों से। मैं देख रहा होता हूँ, मैं हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ ताकि फिर वो चीज़ डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ, शेयर करूँ। तो छोटे छोटे बच्चे आजकल मोबाइल चलाना सीख गए हैं, तो हमें थोड़ी सी फिक्र ये करनी चाहिए कि उनको थोड़ा दूसरी तरफ भी उनका ध्यान बटाने की कोशिश करनी चाहिए, उनके साथ खेलें। बड़ों के पास असल में टाइम नहीं होता, बात ये है, वरना बच्चे तो हर वक्त अवेलेबल होते हैं। अच्छा भाई, ये बैग्स वगैरह जो यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके प्राइसेस यहाँ पर मेंशन नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई गाइड करने वाला है यहाँ पर मुझे। तो ये जो छोटे वाले पर्स हैं, इसका तो प्राइस लगे हुए हैं यहाँ पे 2200-2300 रुपये का है, लेकिन ये जो है ना ऊपर वाले देख लेते हैं, 3000 रुपये का बैग है ये। अच्छा, बैग्स की भी मैंने काफ़ी वैरायटी दिखाई थी आप लोगों ने, अगर चावला मार्केट वाली मेरी वीडियो देखी हो तो वहाँ बहुत हैं बैग्स। CSG जो तारी रोड पर है उस वहाँ पर मैंने ठीक ठाक वैरायटी दिखाई थी स्टेशनरी वगैरह की, तो वो आप लोग देखिएगा। तो ये हो गया पूरा स्टेशनरी का सेक्शन।